इस वक्त की एक बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, जो उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां AIMIM के सऊता विधानसभा प्रभारी जावेद हाशमी ने न्यूज 9 लाइव टीवी पर बयान देते हुए कहा कि सीतापुर से 4 विधायक जिताकर लखनऊ पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा और भी क्या कुछ कहा, आइए सीधे आपको जावेद हाशमी की पूरी बात सुनवाते हैं, सुनिए। आजकल आपके सीतापुर में लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है, आखिर क्या कारण है? सीतापुर के अंदर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर इन 6 महीने के बाद सन 2022 का विधानसभा का चुनाव है। उस सिलसिले में सीतापुर में ख़ास तौर से जो हम लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब का मिशन लेकर के चल रहे हैं, इसी के तहत सीतापुर के विभिन्न गांवों में विधानसभाओं में हम लोगों की पार्टी की तरफ से रोज़ मीटिंगें हो रही हैं। इस मीटिंग का कारण ये भी है कि अगले 1 महीने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी दौरा जल्द होने वाला है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं ताकि विरोधियों को ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जा सके। आज सीतापुर में आपके राजभर के साथ में मीटिंग थी, उसमें क्या कुछ मामला सामने आया? भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जहूराबाद आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का आज सीतापुर में मीटिंग थी। उस सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे युवा जिला अध्यक्ष जनाब कासिफ अंसारी साहब और मैं खुद पार्टी की तरफ से शामिल हुआ। इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई? इस मीटिंग में सीतापुर के अंदर भागीदारी संकल्प मोर्चा के कम से कम 4 विधायकों को लखनऊ पहुँचाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें मैं करीब 2 साल से सेवता विधानसभा में पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और वहां पे जो अशिक्षा है, जो बेरोज़गारी है, और जीन बाबू के 20 सालों से और इधर विगत 5 वर्षों से भाजपा के से जनता त्रस्त है, इन सब को सबक सिखाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे अपना विधानसभा प्रभारी बनाया है, और जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब के हुकुम से आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ूँगा और इंशाल्लाह जीत हासिल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में सेवता से भी विधायक पहुंच के जाएगा। हमेशा मजलिस आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भड़काऊ बयान देते हैं। तथा कथित सेकुलर दल, जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, और भाजपा को हराने के नाम पर जिन लोगों ने मुसलमानों को लूटा पीटा और उनका वोट लिया, उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई है सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब के 2 दौरों से। अभी मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन 2 आगामी 2 महीनों में आपके रातों की नींद उड़ जाएगी, और जब भी आप रात में सोना चाहेंगे तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब आपको सपने में दिखाई देंगे।